हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। BBI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये बोर्ड एग्जाम में आपका एक नंबर का पूछा जाता है और सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है लगातार 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 सालों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसी का हम आपको क्वेश्चन विथ आंसर बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और यदि आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको किस प्रकार से उसका उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के क्लास 12 अर्थशास्त्र। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है ये क्वेश्चन हमें ढूंढने में, क्योंकि जो कि बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा था, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो पहला है, उत्पादन संभावना वर्ग का ढाल होता है, उत्पादन संभावना वर्ग का ढाल होता है, ए है आपका ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है ऊपर से बाएं की ओर, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी आपका बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से बिल्कुल दोस्तों पूछ लिया जाएगा, आपको इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको एक प्रश्न होगा, चार आपका ऑप्शन देगा, इनमें से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपको उसी पर बोर्ड एग्जाम की कॉपियों में लिख देना है। प्रश्नोत्तर नंबर एक डालने के बाद में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो लिख देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋणात्मक, होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन संभावना वर्ग का ढाल होता है ऋणात्मक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ लेते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन लिख देना है, यदि आ जाए तो बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद में ऋणात्मक लिख देना है। आपको ये चारों ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अर्थव्यवस्था चयन का तर्कशास्त्र है ये किसने कहा। वीडियो को अभी नहीं शेयर किया है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ए है हिक्स ने, बी है केस ने, सी है रॉबिन्स ने, या डी मार्शल ने। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, मार्शल या हिक्स या केस या रॉबिन्स। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा रॉबिन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ए है रॉबिन्स ने, बी है मार्शल ने, सी है एडम स्मिथ ने, या J.K. मेहता, डी इसका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एडम स्मिथ ने, स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर है, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। ये क्वेश्चन को आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करती चली जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है आपका पूर्ण प्रतियोगिता, बी है एकाधिकारी, सी है एकाधिकारी प्रतियोगिता, या डी कोई नहीं, इनमें से आपका कोई नहीं। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। ए है निजामुद्दीन ओलिया, बी है ख्वाजा मिनुद्दीन, सी है बाबा फरीद, या डी नासिकुद्दीन चिराग। तो इनमें से आपका दोस्तों सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा आंसर बी, ख्वाजा मिनुद्दीन, ख्वाजा मिनुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम तैयारी कराते रहते हैं और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो छः है, भूमि सुधार संबंधी जबती प्रथा किसकी दीन है, भूमि सुधार संबंधी जबती प्रथा किसकी देन है। ए है आपका अकबर, बी है बीरबल, सी है टोडरमल, या डी मानसिंह। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, छः आपका राइट आंसर है, तो इनमें से आपका सही हो जाएगा टोडरमल इसका भूमि सुधार संबंधी जबती प्रथा के कार्य के इनके मुख्य रोल है डोडरमल का, इसने कहा था प्रथा को किसने दी थी, ये डोडरमल की था। तो चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को बढ़ लें। क्वेश्चन नंबर सेवन है, किसने कहा
किसने कहा, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। किसने कहा, ये आपका पूछ लिया आएगा, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। ए है आपका मार्शल, बी है आपका फ्रेडमैन, सी है किन्स या डी इनमें से कोई नहीं। यही इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और यदि नहीं जानते आप तो हम तो बताएंगे ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मार्शल, यानी इसका आपका सही उत्तर जो हो जाएगा मार्शल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। वीडियो को आप जो क्वेश्चन का आंसर यदि आप पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर हमें पता था पहले से। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे यानी इनके जनक कौन थे, इनके जो पिता कहे जाते हैं कौन थे। ए है आपका माल्थस, बी है एडम स्मिथ, सी है जॉन रविन्स या डी JBC। इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा आंसर 8 का बी, एडम स्मिथ इसके किसके अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के पिता हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास का अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है। ए है बाजार का, बी है सामाजिक विकास का, सी है संसाधनों के विकास का या डी वैज्ञानिक आविष्कार का। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजन होता है काफ़ी स्टूडेंट के मन में कि प्रश्नोत्तर हमने ये प्रश्न डालने के बाद में चारों ऑप्शन में, और जो इस तरह से मैंने बनाया है डिब्बा, ये इस तरह से आप भी बनाने के बाद में तब आप एक इसमें टिक लगाइएगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको प्रश्नोत्तर डाल देना है। आपको क्या करना है, ऐसे डाल देना है आपको प्रश्नोत्तर, जैसा कि मैं डाल रहा हूँ। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद में आपको अंडरलाइन कर देना है नीचे ब्लैक स्केच से, जैसे मैंने अंडर लिख दिया है प्रश्नोत्तर नंबर 4। उसके बाद में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे इनमें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यानी विकास के अर्थशास्त्र किसका संबंध है, तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसमें सही से आपका उत्तर हो जाएगा संसाधनों का विकास। तो आपको आंसर सी लिखने के बाद में, प्रश्नोत्तर डालने के बाद में आपको ये चारों ऑप्शन नहीं देना है, आपको जो उत्तर है आपको सी आंसर आपको लिखने के बाद में संसाधनों का विकास लिख देना है। यहाँ पर बस आपको इतना ही करना है, इतना प्रश्नोत्तर लिख देना है, उसके बाद में संसाधनों का विकास लिख देना है। एग्जामिनर समझ जाएगा और आपको मार्क देकर आगे बढ़ जाएगा, यानी आगे क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ जाएगा। और यदि आप इसमें काटपीट ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि काटपीट से आपका कॉपी जो होगा वो बेकार दिखने लगेगा, यानी अच्छा नहीं दिखेगा, और एग्जामिनर भी कन्फ्यूज हो जाता है कि इस स्टूडेंट ने क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं पता, और आगे वो बढ़ जाता है, आपको नंबर भी नहीं देता, आपको उस सब्जेक्ट में फेल भी कर सकता है यदि आप ज़्यादा काटपीट कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कहलाता है। ए है आपका कीमत सीमा, बी है कीमत तल, सी है बाजार कीमत या डी सामने कीमत। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा कीमत सीमा, बी कीमत सीमा। आपको जो क्वेश्चन का आंसर है यदि आपको पता है तो कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, कीमत तल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कीमत तल इसका सही हो जाएगा, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नूरजहाँ को असली नाम क्या था, नूरजहाँ जी का असली नाम क्या था। आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में जो अर्थशास्त्र में होता है पुस्तकों का नाम काफ़ी पूछा जाता है, तो आप पुस्तकों का भी नाम लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इस सब्जेक्ट के पिता कौन थे, इसके जनक कौन थे, ये भी आपका पूछ लिया जाएगा, उसमें ज़्यादा मैथ के सवाल भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, नूरजहाँ का असली नाम क्या था। ए है जहाँ आरा, बी है गुलबदर बेगम, सी है महकरुनिसा बेगम, डी है चांद बीबी। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा महकरुनिसा बेगम, क्वेश्चन नंबर 11 का सी आंसर हो जाएगा, महकरुनिसा बेगम नूरजहाँ का असली नाम था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन राजस्व व्यवस्था में अकबर अपना योगदान था। ए है आपका बटाई, बी है नस्क,
सी है कानकूत या डी दहशाला। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा दहशाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्व व्यवस्था के अकबर का अपना योगदान था किसका, दहशाला का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और मैं काफ़ी रिसर्च के बाद में ये क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, बहुत ही मेहनत लगा है इन क्वेश्चनों को लाने में। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, आइन ए अकबरी के लेखक हैं। आइन ए अकबरी के लेखक हैं, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था, पुस्तक का नाम काफ़ी पूछा जाता है जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ए है आपका बंदाऊ, बी है अकबर, सी है अबुल फशल या डी फैजी। तो इनमें से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से आपका उत्तर हो जाएगा आंसर डी फैजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फैजी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, निजामुद्दीन ओलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे, यानी उनके समीप थे, उनके सेवक थे। तो ए है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी है जलालुद्दीन फिरोज, सी है गयासुद्दीन तुलक या डी मोहम्मद बिन। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया। ए है आपका अक्टूबर 2014 में, बी है दिसंबर 2014 में, सी है जनवरी 2015 में या डी जून 2015 में। तो इनमें से आपका स्वच्छ, यानी इसका आपको ये कमेंट में बताना है, इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया, ये आपको कमेंट में इसका राइट आंसर देना है, इसका हम आपको उत्तर नहीं बताएंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानते हैं। तो ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 15 बहुविकल्पीय कृष्ण इकोनॉमिक अर्थशास्त्र क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम और बिहार बोर्ड एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा, और बहुत ही मेहनत के बाद में हमने ये क्वेश्चन लेकर आया, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।